Back from the dead. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Yash Fitness. तो guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक जो मुझसे लोगों ने बहुत बार जिम में पूछा है, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो. अभी रिसेंटली कल ही मुझसे एक पर्सन ने जिम में पूछा कि भैया मैं बहुत समय से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को 6-7 महीने हो गए वर्कआउट करते, डाइट भी अच्छी है, बट मैं जिम में वर्कआउट के समय अपनी जो वेट है वो क्यों नहीं इंक्रीज़ कर पा रहा. अपना बॉडी वेट नहीं, मैं जो वेट लिफ्ट करता हूँ जिम में किसी भी एक्सरसाइज में, मैं उस पर इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ. मैं ज़्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पा रहा हूँ अपनी वर्कआउट में, उसका रीज़न क्या है. तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बिगनर हो. अगर आप बिगनर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मसल्स को उतनी आदत नहीं है हैवी वेट उठाने की, इसलिए आप ज़्यादा हैवी नहीं लिफ्ट कर पाते. बट अगर आपको बहुत समय हो चुका है फिर भी आप एक ही 5 किलो 6 किलो 7 किलो में फंसे हुए हैं, आप ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रहे अपने स्ट्रेंथ को, किसी भी एक्सरसाइज में अपना वेट नहीं लिफ्ट कर पा रहे ज़्यादा, तो उसके पीछे एक रीज़न है. मैं आज आपको बताऊँगा कि क्यों आप वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे ज़्यादा, और आपको किन किन चीज़ों से मदद मिलेगी ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने में. हैवी से मेरा मतलब 35 किलो या 30 किलो के डंबल नहीं है. आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे अगर आप अभी 5 किलो लिफ्ट कर पा रहे हैं, आप 7.5 में अपग्रेड नहीं कर पा रहे, आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पा रहे 7.5-10 किलो के डंबल, तो मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे. आप दूसरों को देख के हैवी मत उठाइएगा, आप सिर्फ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट लिफ्ट कीजिएगा. तो गैस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, आधे में छोड़ के मत जाया करो. उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप आधा अधूरा जो आपने नॉलेज प्राप्त किया है मेरे वीडियो से, आप उसको अप्लाई करेंगे और उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो जो मैंने बोला है. तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपका डेली लाइफ का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत बिजी है, आप अच्छे से नींद नहीं ले पाए अपनी, रात को अच्छे से सो नहीं पाए. फिर अगले दिन सुबह या शाम को अगर आप जिम में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो वर्कआउट है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी जितनी आपकी डेली लाइफ डेली रूटीन की जो वर्कआउट रहती है वो होती है. आप उस दिन ज़्यादा पंप नहीं मिलेगा आपको वर्कआउट के समय, और ना ही आपको उतना एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में कि आप अच्छे से लिफ्ट कर पाए. आप जैसे नॉर्मली अगर 10 किलो के डंबल से डंबल प्रेस कर रहे हैं शोल्डर्स के लिए, बट आप उस दिन 7.5 या 5 से ऊपर नहीं जा पाएंगे. किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि अगर वो अच्छी डाइट ले तो वो जा सकते हैं, अपनी जो डेली वर्कआउट है उसके कंपेरिजन में आगे भी जा सकते. तो गाइस, जो फर्स्ट थिंग है आपको ध्यान रखना है, आप अपनी स्लीप बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी उतना नहीं दे पाएगी अपना एफर्ट जिम में कि आप हैवी लिफ्ट कर पाए. क्योंकि हमारी बॉडी स्लीप के समय रिकवर करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाती है. अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो जिम में आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगी. तो ये जो सेकेंड चीज़ है आपको ध्यान रखनी है जिससे आपको ज़्यादा वेट लिफ्ट करने में मदद मिलेगी, वो है कि आपका जो प्री वर्कआउट मील है वो ज़्यादा अच्छा हो. जैसे सपोज़ अगर आप शाम को 5 बजे जिम जाते हैं तो आप उससे 1-1.5 घंटे पहले जो अपनी मील कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट ले, प्रोटीन ले, फाइबर्स ले, ताकि आपको जिम में एनर्जी मिले. हमारी जो एनर्जी आती है जिम में वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आती है, तो मेक श्योर कि आप जिम के पहले इनफ गुड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कीजिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले. तो आज का जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है जिम में, कि उनको अभी आए हुए जिम में कुछ ही समय हुआ है, 2-3 हफ्ते, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो सामने वाला बंदा परफॉर्म कर रहा है 10 केजी के डंबल से, 20 केजी के डंबल से, वो सीधा उनसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. तो प्लीज़ ये सब मत करो, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है.
आप ऐसा जिम चूज करो जहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग डंबल्स मिल सके, वार्ड मिल सके, और आप वहाँ पे परफॉर्म कीजिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी दोस्त यार के साथ चले जाते हैं जिनकी अच्छी खासी फिजिक है, और कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को दूसरे से। तो ऐसा मत करो, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वेट चूज़ कीजिए और उसको पिक कीजिए स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समय होएगा, आप भी ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पाएंगे। तो एज जो फोर्थ रीज़न है, आप जिम में वेट इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे, ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पा रहे उसका, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो फोर्थ रीज़न है उसमें बहुत सारे जिम्स का दोष है कि बहुत सारे जिमों में मैंने देखा है 2.5 किलो के प्लेट होते हैं, सीधा 5 किलो के होते हैं, 7.5 के होते हैं और 10 के होते हैं। बट कई कई जिम्स में मैंने ये भी देखा है कि 1 किलो 1.5 किलो के भी प्लेट होते हैं, तो या फिर डंबल होते हैं। तो आप ऐसा जिम चूज़ कीजिए जहाँ पे आप सपोज़ अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं डंबल से और आपसे 5 किलो के आगे ज़्यादा वेट नहीं उठ रहा, तो आपको 7.5 का डंबल चूज़ करना पड़ेगा अगर आपको उठाना है तो। बट आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से 7.5 के बीच की है, तो आप 6 किलो का डंबल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उस जिम में है ही नहीं। तो मेक श्योर आप ऐसा जिम चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स मिल सके। जैसे मैं किसी किसी एक्सरसाइज में ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता, सपोज़ मैंने 15-15 या फिर 30 किलो के मैंने बारबेल कर्ल करनी है, तो 15-15 लगाने के बाद मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो मैं 2.5 किलो एकदम से नहीं इंक्रीज़ कर सकता। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले 1.5 किलो की प्लेट लगाऊँ जिससे थोड़ी सी मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा सकूँ, क्योंकि एकदम से 2.5 किलो अगर मैं लगाऊँगा तो वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप भी ये सब टेक्निक अप्लाई कीजिए और अपना जो जिम है उसे एकदम वाइजली चूज़ कीजिए जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस जो फिफ्थ पॉइंट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेक श्योर करें आप कि आपकी रिकवरी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही मसल्स की। बहुत से लोग हैं जो हफ्ते में 3 से 4 बार बाइसेप्स को ट्रेन कर लेते हैं, चेस्ट को ट्रेन कर लेते हैं। तो गाइस आप ध्यान रखिए कि जब आप फर्स्ट टाइम, या जैसे सपोज़ अगर आप मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छा, मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स का उसको टाइम दीजिए ताकि वो रिकवर हो सके मसल। अगर आप उसको रिकवर होने का टाइम नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपकी जो मसल्स है वो वीक ही होंगे। आप उसको ट्रेन तो कर रहे बहुत फ्रिक्वेंटली 2 से 4 बार 6 बार, बट आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मसल्स ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अच्छी रिकवरी करें डाइट के थ्रू, स्लीप के थ्रू, उसके बाद आप वेट इंक्रीज कीजिए। गाइस फिफ्थ पॉइंट मैंने देखा है जिम में लोग होते हैं 20 किलो के, 20 किलो बहुत कम हो गया, 40 किलो के 50 किलो के लोग होते हैं खुद, बट उनको चाहिए डंबल 20 किलो का उठाना है, 30 किलो का उठाना है। तो आप ऐसा मत करो, आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करो वेट को। सपोज़ जैसे आज मैं खाली 30 किलो ही लिफ्ट कर पा रहा हूँ डंबल, बट मेरे को अगले हफ्ते मैं चाहता हूँ कि मैं 2.5 किलो ज़्यादा लिफ्ट करूँ, तो मैं अपने जो सपोर्टर है, जो ट्रेनर है, या फिर जो मेरा वर्कआउट पार्टनर है, उससे हेल्प मांगूंगा। लोग बहुत ज़्यादा हेल्प मांग लेते हैं, वो पकड़े रहते हैं डंबल और पूरा जो सपोर्टर है वही सपोर्ट करता है उनको। तो ये सब मत करो आप, इससे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा आपको जिम में। सिर्फ आपको खाली मूवमेंट फील होगा आपके चेस्ट मसल पे या किसी भी मसल पे फर्क पड़ने नहीं वाला। तो ये सब मत करो। आप ट्रेनर को बोल सकते हो कि आप लाइट सपोर्ट करो, बाकी पूरा मैं उठाऊंगा। फिर आप अगले हफ्ते जब आओ, आपसे वो अगर खुद से नहीं उठवा, तो आप जो ट्रेनर है या जो सपोर्टर है, आप उसको बोल सकते हो कि पिछले बार से थोड़ा कम लाइट सपोर्ट करे। पिछले बार अगर उसने थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो इस बार आप 1 रैप बाद सपोर्ट करो, आप 1 रैप खुद से मारो और फिर उसको बोलो कि सपोर्ट करे। और इस जिम सेलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि हम जब जिम सेलेक्ट करते हैं तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि यार इसका इंटीरियर अच्छा है, यहाँ का मिरर अच्छा है, डंबल्स अच्छे हैं, फैंसी है, कैप्टन अमेरिका वाले डंबल्स है। ये सब मत देखो, आप ये देखो कि उस जिम को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वहाँ के इक्विपमेंट्स कैसे है, वहाँ की जो मशीन्स है वो कैसी है,
इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को समझते हो, आप खुद को समझते हो, आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को फॉलो करो ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, और आप धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली हर हफ्ते वेट बढ़ाओ। अगर नहीं उठवा तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 हफ्ते एक ही वेट से काम चलाओ, बट कोशिश करो कि 3rd वीक जो आपका हो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करो। अगर नहीं उठवा फिर भी तो आप सपोर्टर की हेल्प ले सकते हो, बट पूरा नहीं, मैक्सिमम 98% आपका स्ट्रेंथ रहेगा और 2% जो है वो सपोर्टर हेल्प करेगा आपको वेट लिफ्ट करने में। तो गाइज मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ आते हैं देख के चले जाते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको भी ये सब प्रॉब्लम हो रही हो वो इस वीडियो से उनको हेल्प मिले और वो इम्प्लीमेंट कर पाए अपने जिम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।